सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं दिल अल्लन डॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान 58 साल के हो चुके हैं। 2 नवंबर को उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ये साल किंग खान के लिए काफी लकी रहा है। इस साल शाहरुख खान की 2 फिल्मों जवान और पठान ने बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस दिया है। शाहरुख की इन दोनों फिल्मों ने दुनिया भर में कुल मिलाकर 2,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। इस साल किंग खान का बर्थडे उनके प्रशंसकों के लिए और खास रहा है, क्योंकि इस मौके पर उनकी अगली फिल्म डंकी का ऑफिशियल टीजर जारी हुआ। डंकी इस साल के आखिर के आसपास 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। डंकी में शाहरुख खान के अलावा तापसी पन्नू, विकी कौशल और बोमन ईरानी जैसे कलाकारों ने काम किया है। अब जानते हैं कि दिल्ली में पैदा हुए शाहरुख खान ने माया नगरी में कैसे मुकाम हासिल किया है। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में हुआ था। जन्म के बाद शुरुआत में 5 साल वे अपने नाना नानी के पास मैंगलोर में रहे और उसके बाद दिल्ली के राजेंद्र नगर में अपने पेरेंट्स के पास वापस आ गए। उनकी शुरुआती शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल से हुई। 1988 में शाहरुख खान ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। अपने कॉलेज के दिनों में ही शाहरुख दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप यानी TAG के मेंबर के रूप में नाटकों में खूब भाग लेते थे। अपनी बैचलर की डिग्री के बाद शाहरुख ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की। हालांकि उन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मुंबई का रुख कर लिया। 1989 में टीवी सीरीज फौजी में अपनी शुरुआत करने के बाद शाहरुख को खासी पहचान मिली। फौजी सीरियल में उन्होंने अभिमन्यु राय की प्रमुख भूमिका निभाई थी। उनकी ये सीरीज काफी हिट रही। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और अपनी शानदार एक्टिंग की बदौलत बॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए। उन्होंने ना सिर्फ माया नगरी में बॉलीवुड का बादशाह बनकर विशाल साम्राज्य स्थापित किया, बल्कि आज की तारीख में वे दुनिया के चुनिंदा महंगे सितारों में गिने जाते हैं। वो भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक पेमेंट पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। शाहरुख खान की गिनती दुनिया के चौथे सबसे अमीर एक्टर के रूप में की जाती है। किंग खान ने अब तक 90 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और 14 फिल्म फेयर अवार्ड्स समेत कई अन्य अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। निजी जीवन और फिल्मों के अलावा कमाई की बात करें तो शाहरुख खान की कमाई का बड़ा हिस्सा फिल्मों से आता है। वो कथित तौर पर एक फिल्म के लिए बतौर फीस 100 से 150 करोड़ रुपए लेते हैं। हालांकि शाहरुख ने पठान के लिए कोई भी पारिश्रमिक नहीं लिया, लेकिन उन्होंने मुनाफे का 60% हिस्सा लिया। फिल्मों के अलावा शाहरुख खान दूसरे बिजनेस और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी जमकर कमाई करते हैं। शाहरुख खान पेप्सी, हुंडई सेंट्रो, नोकिया, लक्स सोप, डिश टीवी, बिग बास्केट, रिलायंस जियो, LG टीवी, ICICI बैंक और फेयर एंड हैंडसम समेत कई ब्रांड्स के प्रमोशन से जुड़े हैं और इनके विज्ञापनों में नजर आते हैं। फिल्मों और विज्ञापनों से मोटी कमाई के अलावा शाहरुख खान एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। उनकी कंपनी का नाम रेड चिलीज एंटरटेनमेंट है। इस बिजनेस में उनकी पत्नी गौरी खान भी पार्टनर हैं। इसके अलावा वो IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक भी हैं। शाहरुख की मुंबई में स्थित आलिशान हवेली है, जिसका नाम मन्नत है। इस बंगले की अनुमानित कीमत करीबन 200 करोड़ रुपए बताई जाती है। मुंबई के अलीबाग में शाहरुख का एक फार्म हाउस भी है, जहां वे पार्टियां करते नजर आते हैं। शाहरुख के पास लंदन में एक विला और दुबई के पाम जुमेरा पर एक लग्जरी विला भी है। पाम जुमेरा में दुनिया भर की कई सेलिब्रिटीज के घर हैं। इतना ही नहीं, किंग खान के पास बायजू और किड्जानिया जैसे स्टार्टअप में भी बड़ी हिस्सेदारी है। लाइफस्टाइल एशिया के रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेता शाहरुख खान की कुल नेटवर्थ लगभग $760 मिलियन है, जो रुपए में देखें तो करीबन 6300 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। किंग ऑफ रोमांस के नाम से भी मशहूर शाहरुख खान के पास कई महंगी प्रॉपर्टीज के अलावा लग्जरी कारों का भी कलेक्शन है। किंग खान के लग्जरी कारों के कलेक्शन में दुनिया की महंगी कारों में से एक रोल्स रॉयस फैंटम ड्रॉपहेड कूप, एक रोल्स रॉयस कल्निन ब्लैक, एक बेंटले कॉन्टिनेंटल GT, एक बुगाटी वेरॉन, एक BMW 7 सीरीज, एक BMW 6 सीरीज कन्वर्टिबल, एक लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट BMW i8 और टोयोटा लैंड क्रूज शामिल हैं। यह था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।